अब एक बात क्या और कहते हैं, वो ये है कि वो कहते हैं कि जब हमारे मेहंदी आएंगे तो तुर्की जाएंगे। अब ये नहीं कहते कि तुर्की क्यों जाएंगे, आप समझ सकते हैं तुर्की क्यों जाएंगे। वो शर्मा के बाकी की बात नहीं कह रहे हैं, उनको कहना यह है असल में कि खुशतुन दुनिया पता करेंगे। शर्मा के नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुर्की जाएंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि खुशतुन दुनिया पता करेंगे, क्योंकि खुशतुन दुनिया इस वक्त तुर्की में मौजूद है। टर्की मुस्लिम स्टेट है, उसमें खुशतुन दुनिया मौजूद है। मगर इन लोगों का दीन ईमान ये है कि मेहदी आएंगे तो खुशतुन दुनिया फतह करेंगे। अब ये कहते हैं कि हम तुम्हारे मेहदी सच्चे मेहदी नहीं है, उन्होंने खुशतुन दुनिया का फतह किया। एक साहब ने लिखा है, क्या सैयद मोहम्मद ने खुशतुन दुनिया फतह किया है? अगर जवाब नफी में है तो फिर ये मेहदी माऊद कैसे हो गए? तो भाई मेहदी माऊद को खुशतुन दुनिया फतह करना है ही नहीं, यह आपका जाम बाटिल है, यह आपका ख्याल गलत है, बेबुनियाद है कि मेहदी माऊद खुशतुन दुनिया को फतह करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा मजलिस में मैं उसके मुताबिक आपसे आज करूंगा। खुशतुन दुनिया की फतह को मेहदी की बहुत बड़ी निशानी समझते हैं, जैसा कि बैत से भागने को मेहदी माऊद की निशानी ये समझते हैं। आपने अभी देख लिया, फकीर ने तफसील के साथ बताया कि भागते फिरने की निशानी मेहदी अलैहिस्सलाम की हरगिज नहीं है। वैसे ही खुशतुन दुनिया को फतह करने का काम सच्चे मेहदी माऊद का नहीं है, मेहदी बरहक ने न खुशतुन दुनिया फतह किया न तुर्की गए। आपके मेहदी आप कहते हैं कि तुर्की जाएंगे तो आप उनको भेज दीजिए, जाने दीजिए। हमारे मेहदी को डरा नहीं था, हकीकी मेहदी है, इसलिए न खुशतुन दुनिया गए न तुर्की गए। बाकी बहस इंशाल्लाह आइंदा मैं आपसे अर्ज करूंगा। इस किस्म के सवाल से हमारे बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए। अब वो कहते हैं मेहदी तुम्हारे आगे सैयद मोहम्मद अगर मेहदी थे तो फिर क़ियामत क्यों नहीं आई? तो भाई तुम फिक्र मत करो, क़ियामत आएगी, आप फिक्र हरगिज़ मत कीजिए, क़ियामत आएगी और आते रहेगी। मगर पहले दज्जाल को तो आने दो। अब मेहदी आ चुके वक्त उम्मत में, अब आएगा दज्जाल, उसके पीछे आएंगे सैयदना ईसा और उनके बाद आएगी क़ियामत। तो फिर आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? वक्त उम्मत में तो मेहदी माऊद आ चुके हैं, अब आना है दज्जाल को। आप इस फिक्र में है कि मेहदी भी आ गए और अब तक क़ियामत नहीं आई, तो मेहदी क़ियामत में आएंगी ये हुजूर ने नहीं फरमाया। इंशाल्लाह आगे चल के फकीर आपको बताएगा कि क़ियामत के करीब ही जो अल्लाह के खलीफे आएंगे वो है सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। बाकी की गुफ्तगू इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी तो आगे चल के गुफ्तगू की जाएगी। मगर मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इन बातों को गौर से सुने। इस कदर तफसील में जाने की कोशिश फकीर इसलिए कर रहा है कि हमारे नौजवानों को मालूम हो। ख़ास तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लड़के और लड़कियाँ इन सारी बातों को सुन लें, समझ लें और तैयार रहें कि मुखालिफिन जब भी कोई इस कस्म का ला यानी बेमानी एतराज करें उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारे पास जवाब मौजूद है, आपने गौर फरमाए तो अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। हमको अल्लाह अपने सच्चे दीन पर कायम रखे, आखिरी सांस तक हमको मेहदी माऊद की तस्दीक पर कायम रखे। मौत आए तो तस्दीक मेहदी पर मौत आए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।